हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पंजाब सरकार का जमातियों को अल्टीमेटम, कहा मरकज से लौटे लोग 24 घंटे में आए सामने, नहीं तो होगी आपराधिक कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी के खिलाफ शुरू हुई जंग को तबलीगी जमात के लोग कमजोर कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी निजामुद्दीन मरकज से लौटे लोग सामने नहीं आ रहे हैं। पंजाब समेत कई राज्यों में जमातियों ने अपना फोन बंद कर लिया है ताकि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम उन तक नहीं पहुंच पाए। इससे परेशान होकर पंजाब की अमरिंदर सरकार ने जमातियों को अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार ने कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर मरकज से लौटे लोग जो अभी तक राज्य में छिपे हुए हैं, वे नजदीक के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पंजाब में अब तक संक्रमण के 91 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 10 से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े बताए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को शंका है कि अगर तबलीगी जमात के लोगों की जाँच करके उन्हें अलग थलग नहीं किया गया तो संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ सकते हैं। चिंता की बात यह है कि अभी तक सरकार के पास इस बात के आंकड़े नहीं है कि दिल्ली के मरकज में शामिल होकर कितने लोग पंजाब लौटे हैं। इसके बाद पंजाब सरकार ने जमातियों को 8 अप्रैल की शाम 5 बजे तक का समय दिया है ताकि वे खुद आगे आकर जिला प्रशासन को सूचना दे, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों पंजाब सरकार की इस कार्यवाही से आप कहां तक सहमत हैं, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तबलीगी जमात पर लगे इल्जामों पर बोले ओवैसी, कहा इस देश में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सब कुछ जायज है। जी हाँ दोस्तों, देश में रविवार तक सामने आए इस बीमारी के पॉजिटिव मामलों में से 30% तबलीगी जमात के मरकज से लौटे लोगों की वजह से संक्रमित थे। गृह मंत्रालय के मुताबिक तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के 17 राज्यों में 1023 मामले, जमात के वर्कर्स और उनके संपर्क में आए 22,000 लोग क्वारंटाइन में हैं। इस मामले में सोमवार को एक पत्रकार ने हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी से जमात के कार्यक्रम की निंदा करने का सवाल किया। इस पर ओवैसी ने कहा कि देश में मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट में कहा, भारत में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी वेशभूषा से लेकर हमारे खान पान और कारोबार तक इस पक्षपात से लड़ने के लिए हम काबिल नहीं हैं। मुझे एक मुसलमान के रूप में ही क्यों निंदा करने के लिए कहा जाता है? क्या आपको कभी भी हिंदुत्व का नाम लेकर ऐसी चीजों को निंदा करने के लिए कहा गया है? इसके बाद ओवैसी ने कहा, तबलीगी जमात का कार्यक्रम पहले भी होता था लेकिन आज उसे बदनाम किया जा रहा है। संसद से लेकर अयोध्या में मूर्ति स्थापना तक क्या कुछ नहीं हुआ, ये बहुलवाद का दोहरा मानदंड है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फिलहाल लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं लेकिन बढ़ सकती है इसकी मियाद। जी हाँ दोस्तों, उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक में लॉकडाउन को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया कि इस हफ्ते स्थिति देखने के बाद ही लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस बीमारी के मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या और राज्य की ओर से उठी मांगों को देखते हुए लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी कुछ दिन और बढ़ाया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार लॉकडाउन को खत्म करने को लेकर एक विस्तृत प्लान पर विचार कर रही है ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका भी जा सके और देश के बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां भी शुरू की जा सके। लेकिन इस लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में भारत के कई राज्य हैं और जो लॉकडाउन 14 मार्च की मध्य रात्रि से पूरे देश में 3 हफ्ते के लिए लागू हुआ था उसकी अवधि 14 अप्रैल को समाप्त होने जा रही है और यह तय है कि लॉकडाउन एक साथ खत्म नहीं होगा। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के बाद सोमवार को मंत्रियों के साथ चर्चा में भी प्रधानमंत्री ने यही संकेत दिए थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस संक्रमण को पूर्ण रूप से रोकने के लिए क्या लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी के सरकारी मीडिया विज्ञानों पर रोक लगाने वाले बयान की NBA ने की निंदा। जी हाँ दोस्तों, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन यानी NBA ने सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा मीडिया विज्ञापनों पर 2 साल के लिए रोक लगाए
जाने संबंधित कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सुझाव की मंगलवार को कड़ी निंदा की। एनबीए ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का यह सुझाव मीडिया कर्मियों के मनोबल को गिराने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में गांधी ने इस बीमारी से निपटने के लिए विभिन्न सुझाव दिए। उन्होंने कहा, सरकार एवं सरकारी उपक्रमों द्वारा मीडिया विज्ञापनों, टेलीविजन, प्रिंट एवं ऑनलाइन विज्ञापनों पर 2 साल के लिए रोक लगा दी जाए। यह पैसा इस बीमारी से उत्पन्न हुए संकट से लड़ने में काम आएगा। केवल इस बीमारी के बारे में परामर्श या स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञापन ही इस बंदी से बाहर रखे जाएं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जेल से निकलकर घर पहुंची पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, लेकिन यहां भी रहेंगी नजरबंद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को सरकारी निवास से उनके घर में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि पीएसए के तहत वो यहां पर भी नजरबंद रहेंगी। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती के सरकारी निवास को सरकार ने अस्थायी जेल में तब्दील कर रखा था, जहां वो पिछले 7 महीनों से नजरबंद थी। सरकार द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि मौलाना आजाद रोड स्थित अस्थायी जेल से उन्हें उनके आधिकारिक निवास स्थान फेयरव्यू गुप्कर रोड पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब उनके घर को ही अस्थायी जेल घोषित कर दिया गया है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में महबूबा मुफ्ती को पूरी तरह से रिहा किए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले कानून को खत्म करने के दरमियान पिछले साल 5 अगस्त 2019 को महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिया था, जिसके बाद 6 फरवरी को उन पर पीएसए लगाया गया। इस कानून के खत्म करने के साथ ही तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत, मोदी सरकार ने भेजे 6,834 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, इस बीमारी से सबसे ज्यादा गरीब वर्ग प्रभावित हुआ है। ऐसे में मोदी सरकार ने उनके लिए शुरू की गई योजनाओं का पैसा सीधे अकाउंट में भेजना शुरू कर दिया है। इसी के तहत मनरेगा मजदूरों की बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को 6,834 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी है। इतना पैसा भेजने की तस्दीक खुद ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2020-21 के लिए सभी राज्यों की पहली किस्त 15 अप्रैल 2020 से पहले जारी कर दी जाएगी। को बता दें दोस्तों, सभी राज्यों में मनरेगा मजदूरी एक सी नहीं है। अब तक झारखंड और बिहार में मनरेगा मजदूर को सिर्फ 171 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती थी, जबकि हरियाणा में यह सबसे अधिक 284 रुपए प्रतिदिन है। उन्हें सामान्य तौर पर साल में अधिकतम सिर्फ 100 दिन का ही काम मिलता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। दिल्ली एनसीआर में फिर हो सकती है बारिश, धूप की तपिश पर यह आया अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में फिर बारिश का मौसम बन रहा है। मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा के कई हिस्से और पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ 9 अप्रैल को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फिर से बारिश बढ़ाएगा, जबकि पंजाब और हरियाणा में बारिश कम हो जाएगी। हालांकि इन दोनों राज्यों के उत्तरी जिलों में छिटपुट बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कम होने से जहरीली गैस में 63% की कमी के साथ मध्यम श्रेणी में रहा है। सिस्टम ऑफ एयर डिफेंस एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ के निकट आने के तहत आज और कल बारिश होने की उम्मीद है। गरज के साथ साथ आंधी आने की भी संभावना है। शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 106 पर बना हुआ है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी आज बारिश शुरू हो सकती है। आज से तेलंगाना और रायल सीमा में बारिश की गतिविधियां कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश जारी रह सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कच्चे तेल में आ रही भारी गिरावट से पेट्रोल डीजल की कीमत पर हो रहा है असर, जाने क्या है आज के भाव। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल से BS6 फ्यूल की शुरुआत पूरे देश में हो गई है और भारत में चल रहे लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल डीजल की मांग में कमी आई है, जिसकी वजह से आज भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। तेल के दाम में गिरावट आने की सबसे बड़ी वजह दुनिया भर में फैले इस बीमारी के चलते कच्चे तेल के दाम 18 साल के निचले स्तर पर पहुंचना माना गया है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के
लिए बता दें दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 69.59 रुपए है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 62.29 रुपए है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। IRCTC ने 30 अप्रैल तक रद्द की अपनी इन 3 ट्रेनों की बुकिंग, जाने क्या है वजह। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद अगर आप ट्रेन से यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपको अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। IRCTC के प्रवक्ता ने बताया कि IRCTC ने अपनी 3 प्राइवेट ट्रेनों में बुकिंग 30 अप्रैल तक रद्द कर दी है। इससे पहले बुकिंग 21 दिन की लॉकडाउन अवधि तक बंद थी। इन 3 ट्रेनों में 2 तेजस ट्रेन और 1 काशी महाकाल एक्सप्रेस है। अधिकारी ने बताया कि जिन यात्रियों ने इन 3 ट्रेनों में बुकिंग करवाई थी उन्हें टिकट का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। IRCTC ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के आसार को देखते हुए यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि इन प्राइवेट ट्रेनों को चलाने की जिम्मेदारी IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन पर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आतंकी वित्त पोषण के मामले में FATF करेगा पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जून में होने वाली बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के मामले में पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा होगी। ये बैठक चीन के बीजिंग में होगी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा 21 से 26 जून को FATF की बैठक बीजिंग में होगी। इस बैठक में दुनिया की नजर पाकिस्तान पर होगी। एक अधिकारी ने डॉन न्यूज को बताया कि बीजिंग में FATF और यूरेशियन ग्रुप की संयुक्त बैठक में पाकिस्तान की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में FATF यह तय करेगा कि पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा जाए या नहीं। प्रशासन के आदेश पर हजारों व्हाट्सएप ग्रुप की सेटिंग बदली। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी के प्रकोप से देश में सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल इंदौर में प्रशासन ने इस महामारी को लेकर फर्जी खबरों, भड़काऊ संदेशों और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए सोशल मीडिया पर नकेल कस दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि जिलाधिकारी मनीष सिंह ने बेकायदा लिखित आदेश जारी कर जिले के सभी व्हाट्सएप ग्रुपों के एडमिन को निर्देश दिया है कि फिलहाल वे अपने समूहों को केवल स्वयं की पोस्ट के लिए सीमित कर लें। सोशल मीडिया पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि प्रशासन के इस आदेश के बाद जिले के हजारों व्हाट्सएप समूहों की सेटिंग इस तरह बदल दी गई है कि अब इस प्लेटफॉर्म पर ग्रुप एडमिन की ही कोई पोस्ट डाल सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग गैलेक्सी A51 5G जल्द हो सकता है लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A51 को इस साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया गया है। जल्द ही कंपनी इसके 5G वेरिएंट को लॉन्च कर सकती है। पिछले दिनों इसके बारे में कई जानकारियां सामने आई है। इसे सर्टिफिकेशन वेबसाइट जिगबेंच पर भी लिस्ट किया गया है। अब इस स्मार्टफोन को Wi-Fi सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया है। इसे मॉडल नंबर SMA516N के नाम से लिस्ट किया गया है। सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट हुई जानकारी के मुताबिक ये वाईफाई 802.11b/z/n/ac स्टैंडर्ड को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को भी सपोर्ट करेगा। इस फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें एल शेप वाला कैमरा मॉड्यूल दिया जा सकता है। फोन में सेंट्रली अलाइड पंच होल सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जा सकता। तो यह थी दोस्तों आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।